नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा छात्र यूनियन व ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन व अंबेडकर छात्र मोर्चा खालसा के कार्यकर्ताओं ने त्रिशताब्दी राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर कॉलेज के गेट पर धरना दिया व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसका मंच संचालन परविंदर अलीका ने किया। इस मौके पर रवि रतिया व अमन डूल्ट ने संबोधित किया और कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर छात्राओं की समस्याएं जल्द ही हल नहीं हुई तो इस धरने को अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा। 21वीं शताब्दी में भी ग्रामीण क्षेत्रों से रतिया महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों को बस में चढ़ने के लिए देना पड़ रहा है धरना। मामला है, क्या मामला है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस प्रॉब्लम, एंड दूसरी प्रॉब्लम है वाटर प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम रहती हैं कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमारा कम साथ देती हैं। सो जिन्हें जो भी लड़कियां हैं वो सब गांव से आती हैं, तो हम तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस से है, क्योंकि बस में सभी लड़के चढ़ते हैं और हमें चढ़ने नहीं देते। जो आपकी कॉलेज की प्रशासन या कोई सरकारी नुमाइंदा आपके पास आया? नो, अभी तक तो कोई नहीं आया। आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम धरने पर ही रहेंगे। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद। और कोई बोलना किसी ने? देखो जे आप आज सीखा तो बोलना देख के पता लगेगा। अरे और कोई बोलना चाहते हो? बस बोलो। दो मिनट।